देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कच्चे माल की मौजूदा भंडारण क्षमता पर्याप्त है और अगले 10 वर्षों में परमाणु ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने की सरकार की योजना है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के भंडारण के लिए सुविधाएं निर्मित की गई हैं। अगले 10 वर्ष के अंदर भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को दुगना करने का ऐसा योजना भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में इस दिशा में बड़ी तीव्र गति से कार्य भी हो रहा है। इस समय वर्तमान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें हमारे पास इस समय संख्या 21 है, जिनमें से 2 राजस्थान, 6 राजस्थान में थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 21 में से 6 राजस्थान में थे। अलबत्ता ये जरूर है कि उनमें से 1 अब काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी स्थान पर जो 2 नए रिएक्टर आने वाले हैं उनकी कैपेसिटी इससे डबल होने वाली है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में यदि 21 रिएक्टर हैं तो आने वाले समय में हमारे पास 6 और होंगे, जिसमें से 2 राजस्थान में, 2 गुजरात में और 2 तमिलनाडु में होने वाले हैं।